बिस्तर में क्यों? हाँ, मैंने साफ साफ नोटिस बोर्ड पे लिखा था, आई वांट एवरीबॉडी ऑन द ग्राउंड एट 5 o'clock. यस और नो? यस और नो? यस बॉस. तो फिर बॉस, मेरा अलार्म क्लॉक कहाँ गया? एक बात बता, सिर्फ तुम दोनों को उठने में मुश्किल क्यों होती? बाकी सब तो उठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. व्हाई? तो मैंने तो अलार्म लगाया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया. बॉस, मेरा भी अलार्म क्लॉक नजर नहीं आ रहा. नहीं, नजर नहीं आ रहा, ठीक है, देखो. हाँ 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 बॉस. क्या हुआ? सर, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर हमारा अलार्म क्लॉक गायब कर दिया. किसी ने मतलब? आई मीन नकुल. नहीं बॉस. सर, मुझे पता इसी ने किया, पर ये मानेगा नहीं. लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये भी बताना पड़ेगा. Hey guys, stop it now. तुम्हें तो पता है मौका था मेरे खिलाफ बोलने के लिए. सर, मुझे पक्का पता है ये काम इसी ने किया है, ताकि मैं प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाऊं और आप मुझे ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं. स्टॉप इट. यही प्रॉब्लम है तुम दोनों की, ना अपने कोच की, ना अपने प्रिंसिपल की, ना अपने सीनियर्स की. किसका लिहाज ही नहीं है तुम्हें. एक बात बताओ, अच्छा तुम यहाँ पे क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए आए हो, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी. सॉरी बॉस. सॉरी सर. सॉरी से काम नहीं चलेगा. तुम दोनों आज जिम की सफाई करोगे. सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन की पूरी डेकोरेशन तुम दोनों ही करोगे. अगल मौके प्रैक्टिस में आने की जरूरत नहीं है आज तुम्हें. सर, नो क्रिकेट फॉर यू. जब शराफत से क्रिकेट खेलना सीख जाओगे, जीना सीख जाओगे, तब देखेंगे. और बाकी के सब बॉयज, आई वांट द ग्राउंड नाउ. फॉरवर्ड. रक्षक, 5 मिनट में आई वांट यू ऑन द ग्राउंड. यस बॉस. यस बॉस. शरारती थी तुम. आई रिमेम्बर. यो सो. पतंग पे भांजे की टो, मामू की खेत पे भांजे का शो, लालू ऐसे भड़का, दाल में जैसे तड़का, नाम का राजा आनंद पर जेब से कड़का कड़का. ओ आनंद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें ये सब अब तक याद है. विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 19 साल बीत गए. 19 साल 4 महीने 23 दिन. पता है, मेरा बेटा नकुल मुझे ऐसे बात करते देखेगा तो पागल हो जाएगा. अरे आनंद, अंदर आओ ना भाई. कम ऑन इन, कम ऑन इन. आओ नाश्ता वाश्ता करो. कम ऑन, कम ऑन, बैठो. नहीं, दैट्स ओके. अरे बैठो ना यार. ओके ओके. मैं तुम्हारे लिए प्लेट लाता हूँ. थैंक्स आनंद, इतने सालों तक मेरे पापा का साथ देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए. साल्वो अंकल को किसी की जरूरत नहीं, और सच पूछो तो वो मेरा ख्याल रखते हैं. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कौन किसका ख्याल रखता है. यू नो, अगर मुझे पता होता तुम यही हो लोनावला में, तो मैं टच में रहती तुम्हारे साथ. झूठ. तुम क्यों रहती टच में मुझसे?
राइट right? तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो। एक तुम ही तो थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। अफसोस कि मैं अपनी इस दोस्ती को ठीक से निभा नहीं पाया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अरुण कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। किस्मत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। चलिए आप दोनों उठिए यहाँ से। सीवी साहब का हुक्म है कि आप दोनों पहले जिम की साफ सफाई करेंगे, फिर ऑडिटोरियम की सजावट। चलिए काम पे लगे। हाँ सुन लिया। अरे सुने हैं तो फिर चलिए, काम बड़ा कठिन है, बहुत मेहनत मशक्कत के लिए तैयार रहना। अरे कोई हाँ हाँ राइट। लीजिए फिर से शुरू। चलो इसी तरह मेहनत मजदूरी में लगोगे तो आपस में बकर बकर करने के लिए टाइम भी नहीं बचेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। पार्की ज्यादा हीरो मत बनो, ओके? अरे इस वक्त तो तुम दोनों का हीरो भी हम हूँ और विलेन भी हम, समझे? क्या मतलब? अगर आज हम तुम दोनों में से किसी एक का भी शिकायत कर दिए तो कल यही काम तुम दोनों को दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा अब चलिए काम जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी खत्म होगा। अब चलना, अब तक बिगड़े हुए बच्चों की तरह जिद करेगा। बच्चा तो तू है, दूसरों की चीजें उठाकर भागता रहता है। बच्चा उसे कहते हैं जो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाता है। अरे मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास अलार्म क्लॉक था या नहीं। गले टूटने का बहाना बना रहा था, और अगर था भी वो मैंने नहीं लिया। एनीवेज थैंक यू सो मच मुझे सर के सामने फंसाने के लिए। आप चुपचाप चलते और सारा काम निपटाते ताकि क्रिकेट खेल सके, समझा? चलिए सर। पापा लाइए मैं कर देती हूँ। मैं करता हूँ ना, क्या बात कर रहे हो तुम? पापा लाइए ना, जब तक मैं यहाँ हूँ किचन मैं संभालूंगी। अरे बेटी मैं मुझे बिगाड़ दोगे बेटा, I'll get spoiled you know। एक मिनट में बोल। आप लीला को रिसीव करने बस स्टैंड गए थे ना, नकुल आया था आपसे मिलने। नकुल आया था? अरे तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने ऐसे बहाना ना बना के उसे मैं यहाँ से लेके गया। नहीं तो पहले ही दिन लीला और नकुल का आमना सामना हो जाता। माय गॉड, आप एक काम करिए ना, इससे पहले वहां फिर से आए आप अकेडमी जाके उससे वहीं मिल लीजिए। वहीं जाके मिल लेता हूँ सर। गुड आइडिया, थैंक्स। हाय गर्ल्स। हेलो मैम। हाय मैम। गर्ल्स हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे आप लोगों का फुल पार्टिसिपेशन चाहिए, खेल में, ट्रेनिंग में, डिसिप्लिन में। ऑलराइट? यस। इनफैक्ट कल से मैं आप लोगों के ट्रेनिंग में योगा सेशंस भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जी हाँ, योगा से आप लोग अपने दिमाग पर बेहतर कंट्रोल करना सीखोगे, इससे कंसंट्रेशन बनाए रखने में आप लोगों की मदद होगी। और हाँ, आप लोगों में से जो यहाँ अभी अभी रहने आए हैं वो ये बिल्कुल मत समझिए कि घर से निकलकर वो आजाद हो गए हैं और यहाँ अपनी मनमानी कर सकेंगे, पार्टी होगी, मस्ती होगी, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि कल से ठीक 5 बजे आप लोग ग्राउंड पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। और हाँ, और एक बात, अकेडमी का फाउंडर्स डे आने वाला है,
फाउंडर्स डे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस दिन की मार्चिंग ड्रिल प्रैक्टिस अभी से शुरू करें, ठीक है? चलिए चलिए आइए, चलिए काम पे लग जाइए, सब कुछ लगिए। पार्की जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आना जी, शिवी सर ने इन दोनों को पनिशमेंट दिया है। पनिशमेंट? वो क्या है, इन दोनों को आपस में लड़ाई झगड़ा करने का बहुत शौक है, इसलिए शिवी सर ने कहा है कि ये दोनों जिम की सफाई करेंगे, ऑडिटोरियम की सजावट करेंगे, तब जाके जो है इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। Come on girls, let's go. और इन लोगों को जिम की सफाई मजे से करने दो। Come on. हटो हटो भैया हटो, देखने दो जरा कहाँ है। फाउंडर डे सुबह 8 बजे मार्च पास्ट और उसके बाद फ्लैग होस्टिंग। सही है गुरु। उसके बाद ट्रस्टीज के भाषण और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तेरे की भंताधर होएगा, ये भी कोई प्रोग्राम हुआ है? ना कोई नाच, ना कोई गाना, ना ठुमका ना भुमका। अरे इससे अच्छा तो भोलेनाथ की कथा रख देते। पार्टी जी, शाम को पार्टी भी है। हाय यार, मैंने सुना है कि इस बार किसी प्रोफेशनल पार्टी ऑर्गेनाइजर को बुलाया है। अरे देखना, इस बार पार्टी में हम ऐसा नाचेंगे कि पब्लिक देखती रह जाएगी। पिछली बार नाचे रहे तो नाच नाच के पैर में मोच कर ले रहे, इस बार नाचेंगे देखना। वो क्या कहते हैं, बेस्ट डांसर का किताब लेके जाइए। ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात। पार्टी में आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। डांस कर रहे हैं अपने पांडे जी। पांडे जी एक बात बताइए, अगर पार्टी में सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक बजा तो अंग्रेजी गाना तो क्या करेंगे आप? नहीं ना, इंग्लिश तो आती नहीं है ना आपको, और फिर ये डांस वांस करने के लिए गाना थोड़ा समझ में तो आना चाहिए, है ना? क्यों चिंता ना करो, आप ही समझा दीजिएगा। तो देखिए ऐसा है कि डांस जो है ना वो साथ करें, और घबराइए नहीं, गाना तो हिंदी बजिए। मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। तुमने शक्ल देखी है अपनी? क्या होगा हमारी शक्ल, देखी है कि नहीं? सपने देखना छोड़ दो पांडे, जागो, वेक अप, डांस मारिया के साथ। पांडे जी, लगता है मारिया ने जो है आपको छोड़कर अर्जुन को चुन लिया है, ये सब वो। हाँ, ये तो आपका दिल तोड़ के चली गई। क्यों पांडे जी? अरे घबराओ नहीं सबको, इसको तो हम अपने साथ ही न चाहेंगे, चाहे उसके लिए हमका उल्टी गंगा ही क्यों ना बहानी पड़ जाए। क्या बात है लीला, ये सब तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या, कोई शक है पापा? क्या बात है, मजा आ गया। अंकल, अब आप ये खाना वाना बनाना बंद कर। तो तू मेरा धंधा बंद करवाना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अब आप खाना बनाने की जिम्मेदारी लीला पर सौंप दो। वैसे दोस्त, तूने बिल्कुल सही बात कही, द ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट। बेटी किचन संभालोगी ना? आपका किचन है, आप ही संभाली। अरे बेटी कैसी बात कर रही हो तुम भाई, ये तुम्हारा कैफे है, यहीं रहो, इसे संभालो। नहीं पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। अर्जुन और रक्षक का अलार्म क्लॉक यहाँ पे? सिपाही अंदर है।
जल्दी दबाए दो, चलो। पांडे जी, इसका मतलब आपने? अरे हाँ, हमने गायब किया तो। और इसकी सजा मिली नकुल को? देखो ऐसा है गुरु, हमने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा है, हमका जो ठीक लगता है वही करते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो पांडे जी? अरे हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। राय साहब जो अपने घर में उस चमचा रक्षक को कह रहे थे, अगर वो तुम सुने होते ना तो तुम भी यही किए होते जो हमने किया। क्या कह दिया उन्होंने? वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते, वो तो नकुल से बदला लेना चाहते थे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमका उल्लू बनाई थी। लेकिन अरे हमका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमको दोस्ती का नाटक करके हमका खाना वाना खिलाए कि हमको उल्लू बनाए। हम उसका कभी माफ नहीं करेंगे, हम उसके 7 जन्म तक दौड़ा दौड़ा के मरी है। लेकिन पांडे जी, नकुल तो फंस गया ना? अरे तो हम क्या करें, उसकी किस्मत ही पिंग पोंग है। ठीक है, मैं अभी जाकर बॉस को सब कुछ सच सच बताता हूँ कि ये सब आपने करवाया है। तो ठीक है, हम भी सबको बता दिए कि जो तुम रुमाल लेके घूमते हो ना, तो बेला मैडम का है। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे पांडे जी? काहे ना करी है, हमारी भी जवान है, हम भी बोल सकते हैं। देखो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नकुल की चिंता करना छोड़ दो, जब वो राय साहब के साथ वक्त गुजारेगा तो आपस में दोनों एक दूसरे को झेलना सीख जाएंगे, और जब आपस में झेलना सीख जाएंगे तो फिर खेलना भी सीख जाएंगे। कैसा लगा है? डॉक्टर बेला। ओह हाय शिवी, कम इन, हैव अ सीट। आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? जी हाँ। मैं आपकी क्रिकेट बॉयज की फाइल्स चेक कर रही थी और एक अनयूजुअल चीज मैंने नोटिस की है नकुल के बारे में। उसने अपने रिकॉर्ड्स में अपने फादर का नाम नहीं लिखा है, और उसकी मदर लीला सालगांवकर, ये नाम मुझे जाना पहचाना लगा। तो मैंने चेक किया, पता चला ये वही है जो 20 साल पहले इसी एकेडमी में गर्ल्स क्रिकेट टीम में थी, उसकी कैप्टन थी। आप तो उन्हें जानते ही होंगे ना? सॉरी। हाँ, उन्हीं दिनों आप भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे ना? हाँ, वो तो। लेकिन डॉक्टर बेला, इससे आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी टीम या मेरे बॉयज का क्या संबंध? मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं नकुल और अर्जुन के बीच का झगड़ा नकुल की मदर की किसी पुरानी बात की वजह से तो नहीं है। क्या मतलब? Well, उन दिनों अर्जुन के फादर मिस्टर रघुवीर राय भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे। मिस लीला सालगांवकर, मिस्टर रघुवीर राय और आप तीनों उसी दौरान इस एकेडमी के स्टूडेंट थे। आप चुप क्यों हैं? क्या नकुल और अर्जुन के बीच इसी वजह से अब कुछ तो संबंध है इन सब बातों का? बोलिए शिवी, क्या संबंध है उन दोनों के बीच?